स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड, बी USA और बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, डी नेपाल और श्रीलंका। आंसर: ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF नंदिनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सह मेजबानी में 1 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न: गुजरात की किस लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ए राजकोट, बी सूरत, सी गांधीनगर, डी पूर्व अहमदाबाद। आंसर: बी सूरत। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। अन्य सभी दावेदारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने और 8 अन्य उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद दलाल को विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न: विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी नीदरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। आंसर: सी नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरिडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न: तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी मलेशिया, डी चीन। आंसर: डी चीन। एक्सप्लेनेशन: तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुण दीप राय, धीरज बोम्मदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष विकप फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्दम स्टेज वन में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। अगला प्रश्न: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है? ए भारत, बी फ्रांस, सी USA, डी चीन। आंसर: ए भारत। एक्सप्लेनेशन: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में $83.6 अरब के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया।